आखिर क्यों कश्मीर में आतंकियों ने लोगों की टारगेट किलिंग को तेज कर दिया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं हूं आपके साथ पिंकी प्रेरणा। इन दिनों कश्मीर में लगातार लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे कश्मीरी पंडितों में काफी चिंता है। डर और गुस्से से भरे कश्मीरी पंडित पलायन करने के लिए मजबूर दिख रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 से अब तक जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग और सुरक्षा बलों पर किए गए हमलों में 55 नागरिक की जान ले ली। पिछले साल जहां 35 नागरिक मारे गए थे, वहीं इस साल 2 जून तक 20 लोगों की आतंकियों के द्वारा हत्या की जा चुकी है, जिसमें टारगेट किलिंग और ग्रेनेड हमले दोनों के शिकार शामिल हैं। कश्मीर घाटी में आतंकवाद के नए चैप्टर का नाम है टारगेट किलिंग। क्या होता है टारगेट किलिंग? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वारदात को अंजाम देने से पहले बाकायदा टारगेट की पूरी रेकी की जाती है, फिर मौका पाकर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। हालांकि कश्मीर घाटी में पंडितों की टारगेट किलिंग का दौर कोई नया नहीं है, पहले भी ऐसा होता था, लेकिन आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद उम्मीद की जा रही थी कि इन वारदातों में कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पूरी घटना को एक फिल्म के माध्यम से दिखाया गया था, जिसके बाद टारगेट किलिंग्स की संख्या में और भी इजाफा होता दिख रहा है। दहशतगर्द यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें किसी का भय नहीं है। कश्मीर की अदाकारा, सोशल मीडिया स्टार और कश्मीरी युवाओं की रोल मॉडल अमरीन भट्ट हो, सिपाही सैफुल्ला कादरी, सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट या फिर महिला शिक्षक रजनी की हत्या हो, हाल की ये सभी घटनाएं अपने आप में केस स्टडी है, जिससे कश्मीर के बिगड़ते हालात को समझा जा सकता है। आखिर टारगेट किलिंग से निपटना क्यों मुश्किल हो रहा है? दरअसल जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को अंजाम देने वालों में लश्करे तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट का हाथ है। इसमें सीमा पार के आतंकी सीधे तौर पर शामिल नहीं है, कश्मीर के ही युवा इसमें शामिल हैं। इसलिए अपने देश के युवाओं को आतंकवादियों के द्वारा मैनिपुलेट होने से रोकना बड़ी चुनौती बन रहा है। सोचने वाली बात है कि टारगेट किलिंग के पीछे की मुख्य वजह क्या है। बात शुरू करते हैं पवित्र कुरान से। इस्लाम पवित्र कुरान को मानता है और पवित्र कुरान में इस बात का जिक्र है कि किसी भी इंसान की हत्या करना या मार डालना सारी मानव जाति को मार डालने के समान है। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज जो लोग टारगेट किलिंग में संलिप्त हैं, उनमें गर्व से खुद को मुजाहिदीन यानी पवित्र योद्धा घोषित करने की जिद सवार है। मतलब साफ है, कश्मीर में जो भी लोग आतंकियों या उग्रवादियों की टारगेट किलिंग के शिकार हो रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ी वजह इस्लामोफोबिया है। भय, भेदभाव, घृणा और हिंसा, ये चार ऐसे कारक हैं जो एक दूसरे से जुड़े हैं, और इसी का इस्तेमाल कर पाकिस्तान परस्त आतंकवादी संगठन हिंदुस्तानी मुसलमानों में इस्लामोफोबिया को भरते हैं और उनमें इस्लामिक कट्टरता पैदा करते हैं। सिर्फ कश्मीर ही नहीं, देश के हर युवा को इससे बचना चाहिए, ताकि हमारे प्रिय भारत देश में शांति व सौहार्द बनी रहे। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए द फुलझड़ी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।